तो आपको याद होगा मेरा एक व्लॉग आया था, तो उसमें मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। तो जब से वो दांतों की दर्द शुरू हुई थी तो अखरोट खाना छूट गया था मेरा। तो आज सडनली मुझे एकदम से याद आ गई कि मुझे खानी चाहिए, क्योंकि मैं रेगुलर खाता था, एक दो अखरोट दिन के ज़रूर खाता था। तो आज फिर से याद आई, तो शुरू करते हैं आज से फिर से अपना रूटीन, क्योंकि ये ठीक रहता है अपने जो यूरिक एसिड के लिए होता है वो, उसके लिए भी अच्छा, और वैसे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है तो बॉडी के लिए तो अच्छा ही रहेगा। मेरे पास अपने पास कोई अखरोट का पेड़ नहीं है, कोई बागीचा नहीं है दोस्तों। मैं अक्सर कहीं पूजा पाठ में अखरोट, थोड़े बहुत अखरोट होते हैं उनको ले आता हूँ। और मेरा एक टूर था, थाची टूर, आपने देखा होगा, डीपी के घर का टूर था। तो वहाँ जब हम गए थे तो डीपी ने भी मुझे कुछ अखरोट दिए थे, तो वो भी मैंने रख दिए थे अपने पास। और लगभग उतने ही अखरोट पिछले साल उसने दिए थे, तो वो भी अभी तक मेरे पास पड़े हैं। तो मैं तो थोड़े थोड़े दो दो चार चार खाता रहता हूँ दिन में। तो फिलहाल अभी मेरा वो वाला रूटीन भी टूट गया था, खाने बंद हो गए थे। आज पूरा दिन फ्री था, काफ़ी दिनों बाद आज रेस्ट मिला है थोड़ा। तो आज जो रेस्ट मिला उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मैं दिन भर सोया रहा, बीच में थोड़ी देर उठा था व्लॉग बनाने के लिए सिर्फ, बाद में फिर से सो गए। और अभी शाम के हुए हैं 7 और मम्मी बना रही है फिलहाल खाना, तो मैं आज जल्दी खाना खाऊंगा और जल्दी सो जाऊंगा फिर से, क्योंकि सोने का जो कोटा होता है वो पूरा करना है। इतने दिनों से अच्छी नींद नहीं आई थी, थकावट ज़्यादा हो गई थी, तो ज़्यादा थकने से भी कई बार नींद नहीं आती, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो वैसा वैसा है दोस्तों, और अब जल्द ही अंधेरा होने वाले हैं, उसके बाद तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी भी रिकॉर्डिंग में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वीडियो क्वालिटी जो है सही नहीं आ रही थी, लेकिन चलिए जैसा भी है ठीक है, जितना भी है। तो बाहर लगभग अंधेरा होने वाला है, हाय गाइस कैसे हो आप लोग, और दिन के हो गए हैं 12:30। फिलहाल मैं हूँ अपने घर में, अपने रूम में, और बाहर हो रही है देखिए ताबड़तोड़ बारिश। सुबह से आज लगभग 9 बजे से 8 बजे से आज बारिश लगी है कंटिन्यूस। सुबह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा ऐसी बारिश में, सिर्फ सोने का मन कर रहा है, और फिलहाल मैं अभी तक सोया हुआ था और अभी उठा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक दो फ़ोन आ गए थे तो उन्हें रिप्लाई करना था। और वहाँ जगतसुप से गुन्नू का भी फ़ोन आ रहा है कि आज आइए आइए पापा आइए, उसे भी घर आने की जल्दी लगी है क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो उसे भी केशव को राखी पहनानी है, तो उसे भी काफ़ी जल्दी लगी है। तो मैं भी बारिश रुकने का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे बारिश रुक जाएगी तो मैं जगह सुख निकल जाऊँगा बाइक लेकर और गुन्नू और उसकी मम्मी को घर ले आऊँगा। तो दोस्तों शाम के हो गए हैं लगभग 6 और अभी जाके बारिश रुकी है, और बारिश रुकने के बाद जो नज़ारा दिखता है ना दोस्तों, आहा, क्या बताएं, खूबसूरत नज़ारा हो जाता है बिल्कुल। बस वहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हल्की हल्की धुंध वहाँ पर छाई है। ये धुंधी का पहाड़ है जिसके नीचे से अटल टनल गुजरी है, और बाकी ये रहा मझाच विलेज सबसे ऊपर, और उसके बाद शनाक, और उसके बाद गौशाल, और वहाँ है ओल्ड मनाली गांव,
ये रहा ओल्ड मनाली और नीचे है मनाली टाउन सिटी और बाकी ये मेरा गांव बारिश में नहाया हुआ। दोस्तों वो रही व्यास नदी, ये सुबह बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल थी, मतलब बिल्कुल साफ पानी इसका था, लेकिन अभी मटमैला हो गया है। लगता है ऊपर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है जिससे मिट्टी वगैरह आ जाती है कई बार, तो इसका रंग बिल्कुल ही बदल गया है अभी। और दोस्तों अब तो रहा भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरे GoPro की डिलीवरी काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन आ ही जाएगा। चलिए 24 तारीख वैसे फाइनल डेट है उसकी, लेकिन उससे पहले ही आ जाएगा शायद। आज 21 तारीख है तो परसों तक शायद आ जाए, कल तक भी आ सकता है, बाकी देखते हैं। उसके बाद आपको नज़ारे कुछ और मिलेंगे, हसीन नज़ारे मिल सकते हैं, वाइड एंगल मिलेगा अच्छा सा, स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा है, अच्छा मिलेगा, देखते हैं फिर क्या होता है। अभी अमेज़ॉन बता रहा है कि चंडीगढ़ के आसपास कहीं पार्सल पहुंच चुका है, तो उम्मीद है कि कल तक मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा डिलीवरी का, लेकिन बाकी देखते हैं, कई बार लेट भी हो सकता है, कई बार लेट भी हो जाता है, तो हम देखेंगे क्या होता है। और अनबॉक्सिंग तो आपको मिल ही जाएगी अच्छी सी मेरे टाइप की, मेरे स्टाइल की अनबॉक्सिंग तो आपको मिल ही जाएगी।